अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दोनों बच्चे साथ में कितने खुश दिख रहे हैं। बस इन दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। मुझे नहीं देना संजय जी, राणा के ठीक होते ही मैं इन दोनों की फिर से शादी कराऊंगी, वो भी धूमधाम से, है ना अम्मा? लाइट को क्या हुआ? मैं इनका मेनका, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अपने घर को छोड़कर जो आई हो, पर क्यों? जेल में कौन रहना चाहता है मीठी? मेरा अपना घर मेरे लिए जेल बन गया था, और मेरे पापा थानेदार, वो हर बात पे मुझे डांटते थे, कोसते थे, और कभी कभी हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। आप ही बताइए, मैं भक्ति नहीं तो और क्या करती आती? मेनका, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद कर सके। एक एमएलए के खिलाफ जाकर मेरी मदद कौन करेगा? मैं तो यहाँ सिर्फ राणा से शादी करने के कुछ दिन पहले ही आई थी। मैं आप लोगों के अलावा इस शहर में ज्यादा किसी को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में जगह दे दीजिए। ये सच है, शादी वाले बखत बड़े उताव लेते ना तुम सब हमें बाहर निकालने के लिए। मैं उस वक्त भी बात को संभालना चाहती थी, पर आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ अपने पापा के डर से शादी को तोड़ा था। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। मुझे किसी बच्चे को नहीं पालना। सब झूठ, सब 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 झूठ बोल रही है ये। हमें भी तो छोड़ के आ गई थी सड़क पे जब हम रो रहे थे। तुम छोड़ो राशनी, तुम चलो। नहीं नहीं राणा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया ना, मैं अपने पापा से बहुत डर गई थी। कम से कम तुम तो मेरी मदद करो। तेरा और राणा का कोई रिश्ता ना है। अब राणा मीठी का पति है। तुम आज भी मेरी दोस्त तो हो ना। मेरा पासपोर्ट मेरे पापा के पास है, वरना मैं ये देश छोड़कर यहाँ से दूर चली जाती। कोई बात नहीं, ये आप लोगों की चिंता थोड़ी है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी।
रुको मेनका, क्या कर रही है मिट्टी? अभी तो बस खुश हो रहे हैं क्योंकि क्योंकि आपने पहली बार हमारा नाम जो पुकारा। बड़ी बात है, आपके खिलाफ बोलना हम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं। पर मेनका को प्लीज कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए ना, वो बेचारी बहुत परेशान लग रही है। प्लीज मेनका अंदर आ जाओ। गंगा मैया, हमने ये चुन्नी चढ़ा के आपके आगे अपने दिल की बात कही थी देवी माँ, ये तो चल गई, इसका क्या मतलब हुआ? लच्छू के पापा थोड़ी आग लगाए। चलो सुनो 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 भाई, आज की खबर ये है, हमारे प्रिय एवेले निर्मल जी उनका निकला दिवाला, भगोड़ा घोषित हुए मिले। बड़ी बुरी खबर है आज की न्यूज़पेपर में। कमाल है, क्या हो गया है? बैड न्यूज़। ये क्या कर रही है? दोबारा इस उम्र में ये तेवर? एक बात बताओ, तुमने अपने पापा के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला? तो क्या सच बता देती कि मैं यहाँ पर बदला लेने आई हूँ? बदला राणा से? मीठी से। उस लड़की की वजह से मेरी शादी टूटी है, मेरे लिए रिश्ते आना बंद हो गए, मेरे पापा की इतनी बेइज्जती हुई। बस उसकी गृहस्थी में तो अब मैं आग लगा कर रहूंगी। नहीं तो हम भी उस आग में जो है अपना हाथ सेकना चाहेंगे। हम लोग तुम्हारे साथ हिम्मत वाला। इस आग में थोड़ा घी हम भी डाल देंगे। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम लोगों की इस घर में कोई इज्जत नहीं। ऐसा बोलो, बच्ची कुची इज्जत जो है ना वो घर की दीवारें भी उतार देंगी। आहिस्ता पढ़ो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग मीठी को इस घर से निकलवाना चाहते हो। तुम लोग मेरा साथ दोगे? भगवान सबको दे और भर भर के दे, लेकिन सबसे पहले हमें दे। कोई प्लान है तो बताओ। बाप रे, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। अब देखते जाओ मेरा कमाल। कमाल है। मुंह मीठा करके जाओ। डॉक्टर साहब अच्छी खबर ही देंगे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल सही कहा जिया जी आपने। महा साहिब के थप्पड़ ने हम दोनों को सुधार दिया। आज के बाद हमारा आशीर्वाद भी तुम लोग के साथ में। चुमा में
भगवान सबको दे और भर भर के दे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें दे। कितना ड्रामा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ तो करना पड़ेगा, वरना राणा ठीक होने के बाद तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। सिंदूर की कीमत 2, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।